हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। मैं हां मनदीप लेके हाजिर हाँ एंटरटेनमेंट का सैगमेंट यानी कि स्पाइसी रील्स, जिते हो गया बॉलीवुड पॉलीवुड दियाँ कुछ खास खबर सांझियाँ, यानी कि कौन कितने स्पॉट होया, किसकी किस नाल फिल्म आ रही है और किसका है चनंदन, आओ नज़र पाने। अज बॉलीवुड की खलास गर्ल ईशा कोप्पिकर अपना जन्मदिन मना रही है। ईशा कोप्पिकर फिल्म इंडस्ट्री का मन्या प्रमन्या नाम है। उन्होंने हिंदी सिनेमा दे विच ही नहीं बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्मों दे विच भी काम किया। ईशा कोप्पिकर ने बॉलीवुड दे विच कंपनी, दिल का रिश्ता, डरना मना है, पिंचर, LOC, कारगिल वर्गियां समेत कई फिल्मों दे विच काम किया। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का जन्म 19 सितंबर 1976 मुंबई के एक कोकणी परिवार दे विच होया। ईशा ने अपनी पढ़ाई मुंबई तो ही पूरी की। इस दौरान ईशा का झुकाव मॉडलिंग दे वल होया अते फिर उन्होंने मॉडलिंग दे विच किस्मत अजमाउण दी सोची। इस दे लई उन्होंने कुछ फोटो शूट भी करवाए, जिसकी बदौलत ईशा नूं अपने करियर दी शुरुआत दे विच ही कई चंगे एडवर्टीजमेंट्स दे विच काम करन दा मौका मिलिया। ईशा ने साल 1995 दे विच मिस इंडिया कॉन्टेस्ट दे विच भी हिस्सा लिया, जिस विच उन्होंने मिस टैलेंट दे क्राउन दे नाल नवाजा गया। उन्होंने तमिल फिल्म चंद्रलेखा दे नाल एक्टिंग डेब्यू किया। इस बाद बॉलीवुड दा रुख कर लिया। ईशा कोप्पिकर दा फिल्मी करियर कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, ना ही इंडस्ट्री दे विच उन्हां नूं उस तरह दी सफलता मिली। हालांकि सपोर्टिंग एक्ट्रेस दे तौर उन्हां ने अपनी पहचान बनाई। दस दिए कि ईशा कोप्पिकर ने साल 1997 दे विच फिल्म एकता दिल एक दी धड़कन दे नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। बॉलीवुड दे विच ईशा कोप्पिकर नूं चंगी पहचान मिली फिल्म कंपनी दे खलास गाने तों। ए आइटम नंबर काफी हिट होया। इस दे बाद ईशा कोप्पिकर नूं खलास गर्ल कहा जाण लग्या। ईशा कोप्पिकर अदाकारी अते डांस दे नाल राजनीति दे विच भी एक्टिव है। इस दे अलावा ईशा कोप्पिकर ताइक्वांडो दे विच ब्लैक बेल्ट भी है। उन्हां ने काफी अवसरां ते ताइक्वांडो वाला अपना टैलेंट दिखाया। ईशा कोप्पिकर ने टिमी नारंग ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਟਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਈਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਈਸ਼ਾ ਕੋਪਿਕਰ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਡਾਂਸਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲੈਮਰਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਪੌਟਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਦਿਖੀ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਰਾ ਫਤਿਹੀ ਹਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਵਾਂ ਬਖੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ
फोटोज क्लिक करवाईया। नोरा फतेही इस दौरान व्हाइट ड्रेस नजर आई। नोरा ने चश्मा भी लगा रखा सी, ब्लैक चश्मा उन्होंने खूबसूरती होर ज्यादा बता रहा है। उन्होंने बैग कैरी किया हुआ सी। नोरा फतेही पिछली बार फिल्म सत्यम विजय ते टू देखा गया सी। हुण नोरा फतेही की पाइपलाइन थैंक गॉड अते 100% वर्गिया फिल्मां ने। नोरा फतेही इन्हीं दिनी एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस लैके उसनू चर्चा विच बनी हुई है। दरअसल रिपोर्ट्स दे विच दस्या जा रहा है कि ठग सुकेश ने नोरा फतेही नू कई महंगे तोहफे दिते सी। इस तों इलावा नोरा फतेही एयरपोर्ट ते भी स्पॉट हुई सी। आओ उन्हां दी इस स्पॉटेड वीडियो ते भी पा लैने आ नज़र। फिल्म विक्रम वेदा नूं लैके ऋतिक रोशन ते सैफ अली खान चर्चा दे विच बने हुए ने। हाल ही दे विच मेकर्स ने फिल्म दा गाना अलकोलिया रिलीज कीता। इस सॉन्ग लॉन्च इवेंट दे दौरान ऋतिक रोशन स्टेज ते फैंस दे नाल जम के डांस करदे नजर आ रहे ने, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आओ भला इस वीडियो ते पाउने आ नजर। इस वीडियो दी फैंस जम के तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो दे विच ऋतिक ने नीली शर्ट और सफेद पैंट पहनी हुई है, नाल ही उन्होंने गले दे विच लाल रंग का कपड़ा भी बनया हुआ। इस इवेंट दे विच उन्होंने नाल राधिका आप्टे और रोहित सराफ भी ने। विक्रम वेदा फिल्म 30 सितंबर नु सिनेमा घर दे विच रिलीज होने वाली है। यह फिल्म तमिल की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा का हिंदी रीमेक है, जिस विच ऋतिक गैंगस्टर वेदा का किरदार निभाएंगे, जबकि सैफ अली खान पुलिस अधिकारी विक्रम का रोल अदा करेंगे। दस दिए कि 19 साल के लंबे ब्रेक के बाद सैफ अली खान और ऋतिक रोशन इकट्ठे स्क्रीन शेयर करेंगे। इस पहले दोनों फिल्म ना तुम जानो ना हम जानो के विच नजर आ चुके हैं। आओ इस इवेंट से एक बार फिर तो पा लें नजर। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान की गर्लफ्रेंड और मॉडल जॉर्जिया एंड्रायनी अक्सर ही अपने लुक्स के नाल लोगों नूं अपना दीवाना बनाती है। जॉर्जिया एंड्रायनी फिर तो पेपराजी के कैमरे के विच कैद हुई। इस दौरान उन्होंने अलग अलग पोज विच कैप्चर किया पेपराजी ने। जॉर्जिया दी तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही ने, जिन्हों लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आओ इस स्पॉटेड वीडियो से पाने नजर। जॉर्जिया नूं बीती रात मुंबई एयरपोर्ट ते भी स्पॉट किया गया सी। जॉर्जिया एंड्रायना नूं देखते ही पेपराजी उन्हां दीआं तस्वीरां क्लिक करन लगे। मॉडल ने भी उन्हां नूं निराश नहीं किया अते इक तों वध के एक पोज दित्ते। जॉर्जिया दीआं फोटोज दे विच उन्हां दीआं अदावां हर किसे नूं दीवाना बना रहीआं ने। जॉर्जिया नूं पेपराजी ने तां अपने कैमरे दे विच कैद किया। उत्थे ही मौके ते मौजूद लोकां ने भी जॉर्जिया नूं अपने कैमरे दे विच कैप्चर कर लिया, यानी कि अपने फोन दे राहीं उन्हां दीआं तस्वीरां क्लिक करन लगे। जॉर्जिया ने ब्लू डेनिम जीन्स दे नाल वाइट टॉप कैरी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
जॉर्जिया इन्नी प्यारी लग रही सी कि लोग उन्हां नूं बार बार देख रहे सी। जॉर्जिया का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उधर ही जॉर्जिया सोशल मीडिया से भी काफी एक्टिव रहती है, अपने बोल्ड फोटोज भी शेयर करती रहती है। जॉर्जिया की भी चंगी फैन फॉलोइंग है। जैकलीन ते नोरा दे बाद बिग बॉस 14 फेम निकिता तंबोली दा नाम भी सुकेश चंद्रशेखर मामले दे विच सामने आया। ईडी ने चार्ज शीट दे विच दावा कीता कि निकी सुकेश दे नाल मिलन जेल गई सी। इसे विच निकी ब्लैक स्लिंग बैग दे नाल मुंबई एयरपोर्ट ते स्पॉट कीती गई, जिस दे बाद तो ही उह चमकी ट्रॉल की जा रही है। बिग बॉस दे विच बतौर कंटेस्टेंट नजर आई निकिता तंबोली हाल ही दे विच मुंबई एयरपोर्ट ते स्पॉट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रहा है। वीडियो दे विच निकी ब्लैक कलर दा फुल टी शर्ट पहनी नजर आ रही है, नाल ही निकी ने एक ब्लैक कलर दा स्लिंग बैग भी कैरी किया हुआ। इसे विच इस बैग दे कारण ट्रॉलर्स ने उन्हां नूं ट्रॉल करना शुरू किया। पहला आओ इस स्पॉटेड वीडियो ते पाउने आ नजर। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੋਟਡ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹੀ ਬੈਗ ਹੈ ਜੋ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਤੰਪੋਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਕੀ ਤੰਪੋਲੀ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ BMW ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨੋਵਾ ਆਈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ID ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਠੱਗ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕੇਸ਼ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਬੈਗ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਕਆਊਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਚਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗੀ ਵੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਟਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਸ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਸੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਸਟੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਸ਼ਰਮਿਨ ਸਹਿਗਲ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कभी खुशी कभी गम दी पू दे बचपन दे किरदार निभाउण वाली मालविका राज दी गल करिए तां चाइल्ड एक्टर दे तौर ते करियर दी शुरुआत करन वाली मालविका ने बीते दिनी अपना जन्मदिन सैलीब्रेट कीता। मॉडलिंग अते एक्टिंग दी दुनिया दे विच एक्टिव मालविका दा बॉलीवुड दे विच प्रसिद्ध एक्ट्रेस अनीता राज दे नाल भी खास रिश्ता है। मालविका दा जन्म 18 सितंबर 1990 नूं मुंबई दे विच होया। शुरू तो ही मालविका नूं मॉडलिंग दी दुनिया दे विच रुची सी। साल 2001 दे विच आई कभी खुशी कभी गम दे विच पू दे बचपन दे किरदार दे विच उहनां सराई। इस किरदार दे विच उहनां नूं काफी फेम मिलिया। हाल ही दे विच मालविका राज ने पेपराजी दे नाल भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। जी हाँ, मालविका ने खास तरीके दे नाल पेपराजी दे नाल केक कटिया। इस मौके शिमरी ड्रेस दे विच मालविका राज नजर आई। शिमरी ड्रेस दे विच जो कट सी ओह उसकी लुक नू बोल्ड बना रहे सी। ओपन हेयर्स दे नाल उन्होंने अपनी लुक नू कंप्लीट किया हुआ सी। इस दौरान मालविका राज ने खूबसूरती दे नाल पोज दिते अते पेपराजी दे नाल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। आओ पौनिया नजर। नेहा कक्कड़ बॉलीवुड दी मशहूर सिंगर है जो अपने क्यूट अंदाज दे लई जानी जांदी है। जिते एक पासे लोग उनां दी आवाज दे दीवाने ने, दूसरी साइड नेहा दी खूबसूरती दे वी फैंस दीवाने ने। ओह सोशल मीडिया ते खूब एक्टिव रहिंदी है, अपनी तस्वीरां वीडियोस शेयर करदी रहिंदी है। इन्हां सब दे विच सोशल मीडिया ते नेहा दा एक वीडियो तेजी नाल वायरल हो रहा है, जिस विच सिंगर दा बोल्ड लुक देख के फैंस हैरान हो गए। दरअसल हाल ही दे विच नेहा कक्कड़ नूं मुंबई दे विच अपने सोंग इवेंट दे मौके ते स्पॉट कीता गया। इस मौके सिंगर काफी बोल्ड ड्रेस दे विच दिखी। नेहा ने एक लॉन्ग पिंक कलर दा गाउन कैरी कीता होया सी, जिसदा नेक काफी डीप सी। इस मौके दा वीडियो सामने आया। इस वीडियो दे विच देखा जा सकदा है कि नेहा अपनी ड्रेस नूं संभालदे होए अग्गे वध रही है। इस दौरान वो सारे पेपराजी नूं देख के हाई करती है। नेहा दे चेहरे ते एक प्यारी जिही लंबी जी स्माइल है, लेकिन अपनी इस लंबी ड्रेस दे नाल थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग रही सी। आओ पहला इस वीडियो ते पाउने आ नजर। उधर ही दस दिए कि नेहा कक्कड़ इन्हीं दिनी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 नू जज कर रही है। इस शो नू नेहा दे नाल हिमेश रेशमिया, विशाल ददलानी भी जज कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु इन्हीं दिनी अपनी प्रेगनेंसी नू लैके चर्चा ते विच है।
एक्ट्रेस अपने प्रेगनेंसी पीरियड नूं जम के एंजॉय कर रही है। वो जल्द ही अपने पहले बच्चे नूं जन्म देन वाली है। इस विच हाल ही दे विच उन्हां नूं मुंबई दे विच स्पॉट किया गया। इस दौरान बिपाशा दा मैटरनिटी लुक अते नवा हेयर स्टाइल छा गया। एक्ट्रेस दा वीडियो सोशल मीडिया ते लगातार छाया होया, जिस विच उन्हां दे चेहरे ते प्रेगनेंसी ग्लो नूं साफ देखा जा सकता है। आओ पहलां इस स्पॉटेड वीडियो ते पाउने आ नजर। जी हाँ, ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो दे विच डेनिम शॉर्ट प्रेस वाइट श्रग दे विच नजर आ रही है। बिपाशा दा स्टाइलिश अते सिंपल लुक फैंस दे विच खूब पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, ते कमेंट करके यूजर्स उन्हां दी लुक दी अते प्रेगनेंसी ते बताई दे रहे ने अते लुक दी तारीफ कर रहे ने। हाल ही दे विच उन्हां दे परिवार ने उन्हां दे लई बेबी शावर रख्या सी, जिस विच ओह ट्रेडिशनल लुक नूं लै के चर्चा दे विच छाई हुई सी। बेबी शावर दे विच बिपाशा ने ब्राइट पिंक साड़ी पहनी हुई सी, जिस दीआं तस्वीरां उन्होंने सोशल मीडिया ते भी शेयर कीतीआं सी। बिपाशा बसू ने अपनी प्रेगनेंसी फोटोशूट दा खूबसूरत तस्वीरां सांझियां करके एक खुशखबरी अपने फैंस दे नाल सांझी कीती सी। बिपाशा बसू ने एक इंटरव्यू दे विच दस्सिया सी कि जद उन्हां नूं प्रेगनेंसी दे बारे पता लग्गिया तां सब तों पहलां ओह भजदी हुई अपनी मां नूं एक खबर देण दे लई पहुंची सी अते उन्हां नूं एक खुशखबरी दित्ती। दस्सिए कि करण अते बिपाशा पहली बार फिल्म अलोन साल 2015 दे सैट ते मिले सी। इस दौरान दोनों दे विच नज़दीकियां वधियां, फिर दोनों एक दूसरे नूं डेट करन लगे। इसके बाद अप्रैल साल 2016 दे विच डेटिंग करन दे बाद उन्हां ने विआह करवा लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अडल्ट फिल्मा बनाने के आरोप के जेल की हवा खा चुके हैं, जिस की वजह एक्ट्रेस नू भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि हुण राज कुंद्रा जेल तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया तो भी दूरी बनाई हुई है और कह लो पेपराजी तो भी दूरी बनाई हुई है। हालांकि वो जब भी घर तो बाहर निकलते हैं तो मुंह लुको के निकलते हैं। राज कुंद्रा अक्सर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेते हैं, वो जिस दौरान अपना पूरा मुंह कवर कर लेंगे ने। उते एक बार फिर उन्हां नूं अजिहा मास्क लगा के बांद्रा दे विच स्पॉट कीता गया। आओ इस वीडियो ते पाउने आ नजर। जिथे एक बार फिर तो अजिहा मास्क लगा के स्पॉट किए गए, जिसकी वजह के नाल वह ट्रोलर के निशाने पर भी आ गए। दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रहा है, जिस विच अजीबो गरीब मास्क दे नाल फेस ढके हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो नूं लगातार सोशल मीडिया से शेयर किया जा रहा है। वीडियो दे विच राज कुंद्रा कैमरे तो बचण की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो दे विच देखा गया कि राज कुंद्रा अपने बच्चे दे नाल कार तो किते जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राउन कलर की हुडी पहनी हुई है और उन्होंने फेस मास्क ब्लैक कलर का पहने हुआ। इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की थी कैमरे तो बचने की, हालांकि इस वजह के नाल एक बार फिर तो वो ट्रोलर्स के निशाने पे आ गए। राज कुंद्रा का वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रहा है, बुरी तरह उन्होंने ट्रोल किया जा रहा है। कई ने लिखा कम ही क्यों मुंह छुपाने वाला किया, कई ने लिखा मुंह दिखाने लायक वैसे भी नहीं हो, कई ने लिखा कि अजिहे काम करते ही क्यों कि बाद में मुंह दिखाने लायक ना बचो। दस दिए कि पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के नाल स्पॉट किया गया हो। इस तो पहला इंटरनेट पर उन्होंने कई वीडियोज वायरल ने, जिस विच इस तरह का मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पब्लिक प्लेस से वो अपना मुँह छुपाते हुए नजर आते हैं, जिस तो बाद सोशल मीडिया से वो जम के ट्रॉल किए जाते हैं। इस दौरान अज दियाँ बॉलीवुड पॉलीवुड दियाँ कुछ खास खबरां जिन्हें मारी आप चाह तो तुहानू प्रोग्राम किहो जिहा लगा तुसी सानू दसना नहीं भुलना ते नाल दी नाल साडा चैनल भी सबसक्राइब करना ना भुलो। फिलहाल के लिए अज दे एंटरटेनमेंट दे सैगमेंट यानी कि स्पाइसी रील्स दे विच इन्ना ही। हुण अपनी दोस्त अमनदीप नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।